है एवरीवन। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ नाउ डेज डेली ब्लॉग। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं जाने वाली हूँ इकिया, मैं रेडी होके बैठी हूँ। उसके पहले मैं जा रही हूँ फिश फ्राई करने। बोनलेस फिश है जो उसमें कांटे नहीं होते हैं, तो उसका कोई जैसे रैप बना सकता है या टाटा सॉस के साथ खा सकता है, जैसे भी है वो रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और मैं इकिया से मैं क्या लेके आऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए पहले किचन में मैरिनेट करते हैं। तो देखिए आप लोग, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश पकौड़ा। ये मछली है, बोनलेस है, इसमें बोन नहीं है, स्किन नहीं है और ये आइस में रहता है। एनक्यूसी, जायंट, सिंगसोंग सब जगह यहाँ मिलता है। सिंगापुर में आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आप लोग वाटर देख रहे हैं ये इसके अंदर का है, आइस में रहता है। सबसे पहले मैं स्क्वीज कर लेती हूँ, इसका सारा पानी निकाल लेती हूँ, फिर आगे दिखा रही हूँ। तो देखिए सारा पानी इसका निकल गया। मैं ले रही हूँ टिश्यू, पहले मैं हाथ अपना देख वॉश करके आ रही हूँ, बिकॉज सब चीज़ मैं नहीं छूती हूँ। तो इसके बाद मैं इससे भी सारा पानी इसका निकालूंगी, अगर थोड़ा बहुत बचा है टिश्यू से, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डालूंगी मैं लाइम जूस। ये देखिए एक लाइम है नींबू, इसको मैं काट के रखी हूँ, इसका मैं जूस डालूंगी। लाइम का जूस डालने से ये होता ना, स्मेल भी फिश का नहीं आता, थोड़ा सा खट्टा लगता ना तो अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं डालती हूँ। मेरे बच्चों को फिश का स्मेल नहीं पसंद है, नॉर्मल फिश तो कोई मेरे घर खाता ही नहीं है, यही सब लोग पसंद करते हैं, मैं खा लेती हूँ और कोई नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। उसके बाद इसमें डालूंगी चिल्ली पाउडर, ये तो अपने टेस्ट के ऊपर है, मैं कश्मीरी चिल्ली यूज कर रही हूँ, थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून। और सॉल्ट अपने ऊपर है, क्योंकि कभी कभी इस मछली में भी सॉल्ट रहता है, तो आप लोग थोड़ा देख के डालिएगा सॉल्ट कितना डालना है। देखिए 1/2 टेबल स्पून से और थोड़ा मैं कम डाल रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है राइस फ्लावर क्रिस्पी बनाने के लिए, 2 टेबल स्पून। तो देखिए इतना मैं गार्लिक डालती हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, 800 ग्राम फिश है और ये छिलने के बाद ग्रेट करने के बाद इतना इससे थोड़ा और कम हो जाता है, इतना मैं जिंजर डालती हूँ। तो इधर आप लोग देखिए, ये है ग्रेट करके रखी हूँ। अब ये सारा मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको कम से कम हाथ यूज कर रही हूँ, तब ठीक से होगा, स्पून से नहीं ठीक से हो पाता है। और इसको मिक्स करके कम से कम 1 घंटा तो रखना ही है, अगर रात भर रख दो तो और अच्छा है। अभी मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं जब आऊंगी तब मैं फ्राई करूंगी इसको, सारा मैं मिक्स करके रख के जाऊंगी। तो अब मैं चल रही हूँ इकिया और मेरे साथ भी कोई जा रहा है, एंग्री होके बैठा है। तो चलिए मेरे साथ आप लोगों को दिखाती हूँ इकिया में सब अच्छा चीज और ऑफर वाला चीज कहाँ मिलता है। अब मिलते हैं इकिया में। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या, मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। हवन क्या है, अगर पूरा इकिया बनाने लगो ना तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। मेरे चैनल तो ऑलरेडी है, अगर किसी को देखना है तो देख सकता है।
ओके तो एक घंटे में गई थी इकिया से, आते आते 2 घंटा हो गया। इकिया जाओ, इतना बड़ा है, बहुत टाइम लगता है। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ फ्राई करने। इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं लगता है, नॉन स्टिक है और मैं बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ। तो देखिए आप लोग, बस इतना तेल बहुत है। ऑन कर ले रही हूँ, थोड़ा नोइजी हो जाएगा। एक पर कर रही हूँ और तेल इधर गर्म हो गया, इसको एक बार फिर ठीक से मिक्स कर लूँ। थोड़ा सा डाल के मैं चेक करती हूँ, वैसे बनाती हूँ अभी ठीक से गर्म, इसका मतलब नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल, ये वाट पानी अगर रहेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा छिटकता है, जलने का डर रहता है। तो देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर, मैं डाल रही हूँ। और इसमें तो बहुत ही कम तेल में बन जाता है। और इसको ऐसे जैसे चलाना नहीं है, क्योंकि अभी अंदर से नीचे कुक नहीं हुआ है तो बहुत सही नहीं रहता, इसे छोड़ देना है। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को सैलेड दिखा देती हूँ, जा रही हूँ काटने। तो देखिए ये जापानीज क्यूकम्बर है और ये टोमेटो, और मैं ना सैलेड में ये मैं छोटा वाला यूज़ करती हूँ अनियन, मुझे बड़ा अनियन पसंद नहीं है। और ये है लेट्यूस, अभी काट रही हूँ मैं, छोटा छोटा काटती हूँ क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से। तो देखिए छोटा छोटा सब काटूंगी, अनियन अलग रखूंगी। तो देखिए आप लोग अभी कुक हो गया है, और ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं इतना सुंदर, मैं कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालती हूँ, ये लेमन लाइम और हल्दी की वजह से आता है ऐसा कलर। और ये जो बड़ा पीस था ना, मैं इसी में उसको ऐसे करके कर देती हूँ। चलिए मुझे देखिए इतना फ्राई हो गया, दूसरा बन रहा है। अब मैं ये रैप यूज़ करती हूँ, अब थोड़ा सा इसको गर्म करना है और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस हल्का गर्म हो जाए बस इसको। पैन ऑलरेडी गर्म है, ओके बस हो गया। तो देखिए मछली तो फ्राई होके रेडी हो गया, मैं बनाती हूँ रैप। देखिए इसके बाद इसको ऐसे रखना है, 2-3 बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद इसमें डालना है क्यूकम्बर, टोमेटो, फिर अनियन, और सबसे ज़रूरी का चीज़ ये है मछली के साथ टाटा सॉस, फिश एंड चिप्स के साथ भी मिलता है, ये सबसे ज़रूरी है, ये डालना है। किसी को अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकता है, चाहिए तो ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा डाल लो। इधर चिल्ली है, साथ पेपरिका, ये भी कोई डाल सकता है। इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे फोल्ड करो, फिर इसको ऐसे। तो ये देखिए, ओके तो अभी मैं इकिया से आ गई हूँ, और इकिया बहुत बड़ा है, अगर पूरा वीडियो बनाने लगो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा छोटा मैं भी बनाई हूँ, अगर किसी को पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं इकिया का 2-3 साल पहले वीडियो बना चुकी हूँ। और मैं क्या लाई हूँ, बड़ा पानी पी लूँ। तो मैं क्या इकिया से लाई हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में क्लोज होने जा रहा था इकिया। यह है किचन का कोई चीज़, जब मेरे किचन में बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये तो सबको पता होगा, और ये मैं लाई हूँ नाइफ रखने के लिए, ये 1790 में मिला है, $17.90 में। और इसके साथ ये जो मैं लाई हूँ ना, इसके साथ ये हुक लगेगा, जब किचन में लगा दूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब भी किया जाओ अपना ऊन बैग लेके जाओ, तो मैं भी अपना बैग रखी रहती हूँ। वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, थैंक यू, बाय।